सोक किया हुआ थोड़े से दूध में, ये स्किम्ड मिल्क है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच बेसिल सीड्स को ऐसे सोक करके रखा था। हार्डली 5 मिनट्स हुए हैं मुझे अभी से सोक किए हुए। इसको इस तरह से सोक करके मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ फ्रूट्स। फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा और मिल्क, यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने फ्रूट्स एंड नट्स। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़े से चिया सीड लिए हैं मैंने। यहाँ मैं ऐड करूँगी कुछ पम्पकिन सीड्स। ये हो गया हमारा फ्रूट एंड नट्स बेसिल सीड्स पुडिंग। इंजॉय।